बहुत बड़ी खबर आ रही है, जो दुबई है जिसको मुसलमानों का क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन अब वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द दुबई हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट होने वाला है और वहाँ पर एक राम मंदिर से भी बड़ा मंदिर बना दिया गया है। तो कुछ बताएं इस मामले में। जी, यूएई इस वक्त चर्चा में है जी। दरअसल वहाँ पर बीती 14 फरवरी को बुधवार के दिन जी एक बड़े मंदिर का उद्घाटन किया गया था जी, और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए हुआ था जी। जी, तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि यूएई जो एक मुस्लिम देश है जी, और काफ़ी ज़्यादा वो चर्चा में रहता है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर जो खजाने हैं जी, और वहाँ पर दूसरे देशों की यानी बड़ी आबादी काम करती है जी। यूएई में तकरीबन 1 करोड़ की टोटल आबादी है जी, और उसमें तकरीबन जो 38 लाख हैं वो भारतीय हैं। जो भारतीय होंगे उनमें ज़्यादातर लोग हिंदू ही होंगे यानी एक तरह जी, 90% उसमें यानी नॉन मुस्लिम है जी। तो आप समझ सकते हो कि 1 करोड़ की जो जनसंख्या है उसमें से तकरीबन 38 लाख इंडियन हैं जी, तो उनका एक बड़ा प्रभाव है और बड़ा असर है जी। और पिछले कुछ सालों से भारत और यूएई के जो रिश्ते हैं काफ़ी ज़्यादा यानी अच्छे हुए हैं, मजबूत हुए हैं जी। जी, 2015 से 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं और कई बार जो वहाँ के शेख हैं जी, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं जी। जी, लेकिन जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है जी, और ये मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है जी, 27 एकड़ में बना है ये। अच्छा, 27 एकड़ में जी, इतना विशाल है, इतना बड़ा और वसी है जी, वरना कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि बज़ाहिर जो यूएई है वो एक मुस्लिम राष्ट्र है जी, दुबई जो पूरे यानी दुनिया भर में फेमस है जी, तो वहाँ पर मंदिर का निर्माण होना और मंदिर ही बड़ा आलीशान बनना, इस पर कई तरह के जो सवाल है वो भी माइंड में पैदा होते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन इस मंदिर का जो एरिया है वो तो बहुत बड़ा है ही, लेकिन इसमें तकरीबन 700 करोड़ का खर्चा भी आया है। अच्छा, ये तो मतलब राम मंदिर के खर्चे से भी ज़्यादा, इतना तो उसमें भी नहीं आया था शायद जी, शायद उससे भी यानी बड़ा है और बड़ा विशाल है जी। और जो यहाँ की जो शेख है अल नहयान, उन्होंने जो ज़मीन है इसको गिफ्ट किया था। अच्छा, दरअसल पिछले कुछ टाइम से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके जो रिश्ते हैं वो अच्छे माने जा रहे हैं जी। लेकिन जो हैरानी की बात है जी, कि मुस्लिम देश में यानी मंदिर का निर्माण कैसे हुआ जी, तो एक तो बड़ी वजह यही है कि वहाँ पर जो जनसंख्या है यानी इंडिया से जो लोग गए हैं वहाँ पर काम करने, उनकी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल यानी 38 लाख के करीब है। लेकिन जो इस वक्त देश है, बज़ाहिर इनको आप सिर्फ मुस्लिम देश कह सकते हैं, ये कोई इस्लामिक देश नहीं है, बिल्कुल यानी इस्लामिक जो कानून है, इस्लामिक शरिया है वो यहाँ पर यानी इम्प्लीमेंट नहीं है जी। और इसीलिए कुछ लोग यानी उनके दिल में ये ख्याल आता है कि इन अरब देशों में यानी किस तरीके से मंदिर बन रहे हैं। लेकिन सर, एक चीज़ और भी तो है इसमें जो नोटिस करने की है कि हमारे देश में क्या हो रहा है कि यहाँ पर मस्जिदों को छीन छीन कर उनमें ज़बरदस्ती मंदिर बनाए जा रहे हैं इंडिया में, लेकिन जो ये अरबिक कंट्रीज़ हैं ये इस चीज़ को मतलब भेदभाव नहीं कर रही, कहीं ना कहीं गिफ्ट में इतनी ज़्यादा जगह दे देकर मंदिर बनवा रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों की विचारधारा मतलब एक तरह से अलग दिख रही है। हालांकि जो हमारा देश है वो लोकतांत्रिक है जी, और उसका पूरा एक संविधान है, उसके बावजूद यहाँ पर जो माइनॉरिटी है जी, जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो टारगेट पर है, बिल्कुल मसाजिद को और मदारिस को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जो एक मुस्लिम राष्ट्र है वहाँ पर यानी मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो एक जो बुनियादी चीज़ है यानी जो मुसलमानों को समझनी चाहिए कि हमारा जो यानी वो किबला है वो कोई भी यानी मुस्लिम देश नहीं है, बिल्कुल। अगर वहाँ पर भी गलत हो रहा है कुछ भी, अब जिस तरीके से अरब में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ें चाहे वो जहाँ भी हो गलत रहेंगी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जो अरब जो वर्ल्ड है और जो अरबिक जो कंट्री है वो कुछ भी काम करने लगे तो सही हो जाएगा, सही बात। अगर वो करेंगे तो वो भी यानी गलत होगा। बहरहाल अब जिस तरीके से जो इशारे मिल रहे हैं इस चीज़ से कि आने वाले दिनों में वहाँ पर और भी ज़्यादा जो एक जो संस्कृति है, जो हिंदू कल्चर है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है, और इस पर ख़ास तौर से भारत में जो रहने वाले जो लोग हैं, जो यानी राष्ट्रवाद का जो सबूत है, जो अल्पसंख्यक है, उनसे मांगते हैं और मस्जिदों अमन और मदारिस को टारगेट करते हैं, उनके लिए भी एक सबक है कि एक मुस्लिम राष्ट्र में इतना बड़ा यानी मंदिर बन सकता है, तो यहाँ पर जो पहले से जो मस्जिद बनी हुई है
उनको यानी महफूज रखा जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, उन पर निशाना ना साधा जाए।